भारत का सबसे महत्वपूर्ण मिशन चंद्रयान 3 जो है जल्द लॉन्च होने जा रहा है 14 जुलाई को। इस बीच गोदरेज कंपनी ने कई सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स इस चंद्रयान 3 को दिए हैं। एबीपी न्यूज की टीम गोदरेज कंपनी के जो प्लांट है वहां पे पहुंची है। यहां पे प्रोटोटाइप्स कई सारे रखे गए हैं। इन प्रोटोटाइप्स, ये जो आप देख सकते हैं तस्वीरें, यही सेम जो मशीनें हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो इस्तेमाल किए गए हैं चंद्रयान 3 में। चंद्रयान 3 बेहद जरूरी है भारत के लिए, क्योंकि जो चांद के सतह पे पहुंचेगा रॉकेट चंद्रयान 3 पहुंचेगा, उसके बाद कई सफलताएं भारत को मिल सकती है। अधिक जानकारी देने की कि गोदरेज ने किस तरीके से चंद्रयान 3 में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, मेरे साथ मानिक जी है जो की एवीपी है और बिजनेस हेड है गोदरेज कंपनी के। सर, क्या बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से चंद्रयान 3 एक बार फिर जाने वाला है मून के सतह पर, और गोदरेज ने किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूशन दिया? सो गोदरेज ने लिक्विड प्रोपल्शन इंजन के हार्डवेयर बनाए हैं। द सेकेंड स्टेज जो L110 विकास इंजन है, वो दो इंजन लगते हैं वो पर्टिकुलर व्हीकल में, और C20 जो क्रायोजेनिक स्टेज है, जो सेकेंड थर्ड स्टेज है, वो यहाँ पे हार्डवेयर बना हुआ है। उसका इंटीग्रेशन LPSC में होगा त्रिवेंद्रम में। एंड स्ट्रसर्स जो है, जो चंद्रयान में लग के शायद उसको मनोवर करेंगे या लैंड करेंगे, उसके कंपोनेंट्स यहाँ पे मुंबई में बनते हैं, और ये पूरा सप्लाई हम LPSC को करते हैं, जो पूरा इंटीग्रेट करके फिर एयरक्राफ्ट पे लगाता है। हम यहाँ पे कई सारे कंपोनेंट्स देख सकते हैं, अगर आप हमें इनके बारे में कुछ बता पाएं कि ये कौन से हैं, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे अगर हम इसकी बात करें या आगे जो है उनकी बात करें। ये सारे यहाँ पे थ्रस्ट चेंबर्स लगे हुए हैं। थ्रस्ट चेंबर्स जो है वो फ्यूल को फायर होने के बाद एग्जॉस्ट की तरह काम करते हैं। जैसे अपना व्हीकल में जैसे एग्जॉस्ट रहता है, वैसे जैसे एग्जॉस्ट कोन ऑफ ऑल द इंजन्स। एंड ये सेल्फ कूल्ड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, एंड इसके ऊपर फिर टर्बाइन पम्प्स और वेरियस इंजन के पार्ट्स लग के फिर पूरा इंजन बिल्ड होता है। सो सेमी फिनिश्ड इंजन यहाँ पे गोदरेज में बनता है, हार्डवेयर बनता है, और फिर हम सप्लाई करते हैं LPSC को, जो पूरा फिर इंटीग्रेट करके स्टेज के ऊपर लगाते हैं। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 जो है, यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी कि गोदरेज कंपनी ने क्या उसमें भी अपने जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए थे और उस वक्त जो सफलता पाई गई थी, क्या उससे बेहतर सफलता इस बार उम्मीद कर सकते हैं? चंद्रयान 1 में PSLV लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 में भी सिमिलर लॉकेट लॉन्च हुआ था, अभी LN3 अपना LMV3 में जाने वाला है, तो सर्टन चेंजेस है, बट जो इंजन्स है वो वेरी सिमिलर है, एंड सर्टन ट्वीक्स आर देयर बिकॉज ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम द प्रीवियस। सो वो LPSC या ISRO जो हमें सजेस्ट करते हैं, उनके इंजीनियर्स भी यहाँ पे हमारे साथ काम करते हैं, तो हम साथ में मिलके जो चेंजेस है, हमारी टीम उसका प्रोसेसिंग करती है, टूलिंग्स बनाती है, पूरा हार्डवेयर यहाँ पे बनता है, और फिर हम ISRO को सप्लाई करते हैं। तो इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि सफलतापूर्वक सेफ लैंडिंग हो सकती है, और जो रिसर्च किया जा रहा है, लास्ट टाइम भी सफलता ही थी, ऑलमोस्ट 90% एक्सेप्ट फॉर द लैंडर विच फेल्ड, अदरवाइज ऑल द इंजन्स फायर्ड, एवरीथिंग वेंट अप प्रॉपरली। PSLV-1 जो गया था, चंद्रयान-1 जो गया था PSLV में, वो भी सफलता था। सो माइनर डिविएशन लास्ट टाइम एंड वी फेल्ड इन द लास्ट स्टेज, बट ऑल ऑफ अस आर वेरी होपफुल एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट दिस टाइम वी विल रीच एंड लैंड। मेरे साथ है मानिक जी, और जिस तरीके से इन्होंने हमें बताया कि चंद्रयान 3 में जो कंपोनेंट्स इस बार इस्तेमाल किए गए हैं, चंद्रयान 3 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 बार अब तक चंद्रयान लॉन्च किया गया है जहां पर चांद की सतह पर भारत से रॉकेट भेजे गए हैं, और इस बीच इस बार जो एक्सपेक्टेशंस है वो यही है, उम्मीद यही है कि सेफ लैंडिंग हो। साथ ही जिस तरीके से जो रॉकेट वहां पर पहुंचता है, वहां पर जाने के बाद रिसर्च किया जाएगा क्या चांद की सतह पर पानी है कि नहीं, हवा है कि नहीं, इसी कारण से 3 बार जो प्रयोग किया गया है, उसमें पहली बार जो कि 2008 में हुआ था, उस दौरान वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुआ था, लैंडिंग भी सेफ हुई थी, हालांकि 2019 में जो लैंडिंग हुई थी कहीं ना कहीं ठीक से नहीं हुई, 90% तक चंद्रयान का जो ये लॉन्च हुआ था वो अच्छा हुआ था, बेहतर हुआ था। यहाँ पे मैं आपको और तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ, और अब चंद्रयान 3 का जो लॉन्च होने जा रहा है, इसमें जो इक्विपमेंट्स आप देख सकते हैं, गोदरेज कंपनी ने जो पूरे रॉकेट में से जो मिडिल पार्ट
रॉकेट होता है उसमें 80% तक उन्होंने इंजिन्स दिए हैं, यानी कि अगर हम पूरे रॉकेट की बात करें, चंद्रयान की बात करें, तो 5% तक पूरे चंद्रयान में गोदरेज कंपनी के इक्विपमेंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है। इस बीच यही उम्मीदें हैं कि जब ये चंद्रयान जो लॉन्च होगा उस दौरान ये और सेफली लैंड करेगा कि नहीं, क्योंकि 2019 के कंपैरिजन में 2019 की तुलना में अगर हम देखें तो 2023 में जो होने जा रहा है चंद्रयान 3 का ये लॉन्च, इसमें सभी की नजर टिकी हुई है कि इस बार सेफ लैंडिंग होती है कि नहीं, और इस बार जिस मकसद से चंद्रयान चांद की सतह पर जा रहा है वो पूरा होता है कि नहीं। और गोदरेज कंपनी ने जहां पे एबीपी न्यूज को ये टूर दिलाया, एबीपी न्यूज में प्लांट में जहां पे आए हैं, आपने हमने आपको दिखाया जहां पे मानिक जी ने खुद बताया कि इस बार जो टेक्नोलॉजी है और बेहतर बनाई गई है, और इससे पता चलेगा कि जो सेफ लैंडिंग है अच्छे से होती है कि नहीं। उम्मीद पूरी लगाई जा रही है कि चंद्रयान 3 सफल होगा। कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ मैं लता शर्मा, ABP News, Mumbai।